अनुपमा यादव फिर आई पवन सिंह के साथ। जी हाँ, स्टेज पर अनुपमा यादव परफॉर्म कर रही थी और तभी यहाँ पर पवन सिंह की एंट्री होती है। आपको बता दें कि पवन सिंह के ही रिलेटिव की शादी थी और ये पवन सिंह के घर जैसी शादी थी, इसलिए पवन सिंह यहाँ पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ परफॉर्मेंस दी, जहाँ पर अनुपमा यादव ने जैसे ही स्टेज पर पवन सिंह को देखा, उन्होंने तुरंत उनका पैर छुआ। उस वक्त तो पवन सिंह ने उन्हें अवॉइड कर दिया, लेकिन बाद में अनुपमा यादव के साथ उन्होंने कई गाने गाए। अनुपमा और पवन जब मिले, तब यहाँ पर ऐसा लगा कि इनके जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं सभी दूर हो गए हैं। यहाँ पर अनुपमा यादव बार बार पवन सिंह से कुछ कह रही थी और पवन सिंह हामी में सर हिला रहे थे। ऐसा लग रहा हो कि अपनी गलतियों पर उन्हें पछतावा है और पवन सिंह से बार बार वो ये कह रही हैं कि जो हुआ उसे भूल जाइए, फिर से हम एक अच्छे गाने पर काम करते हैं। क्योंकि पवन सिंह के साथ जो भी गाना गाता है, सभी को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह उस गाने में जान भर देते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।